أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ہم پچھلے کئی خطبات سے مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ کسی بھی قوم یا شخصیت یا کسی بھی حکومت کو اگر کامیاب سمجھا جاتا ہے تو کامیاب سمجھے جانے کے چند ایک اصول ہیں کہ اس کے دور حکومت میں عدل و انصاف کا نظام کیسا رہا، یا اس کے دور حکومت میں جو معاشی تقسیم ہے اس کا نظام کیسا رہا، یا اس کے دور میں جو انتظامی معاملات ہیں ان کی صورتحال کیا رہی، یا اس کے دور میں جو فتوحات ہیں، جنگی کامیابیاں، عسکری کامیابیاں، وہ کتنی رہیں، یا اس کے دور میں حدود اور سزاؤں کا جو نفاذ ہے وہ کیسا رہا۔ اب یہ بات ہر ایک صاحب علم، صاحب عقل مسلمان کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء کا دور تھا، خلفاء راشدین کا دور، یہ جتنی چیزیں میں نے گنی ہیں نا، ہر ایک معاملے میں، ہر ایک پہلو میں کامیاب ترین دور رہا ہے۔ جرائم کی شرح دیکھ لیں اور فتوحات کا دائرہ دیکھ لیں، ہر ایک لحاظ سے مثالی دور ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ان خلفاء کا، ان کی حکومتوں کا نظم و نسق اور نظام کا پوری دنیا میں چرچا ہونا چاہیے، پوری دنیا میں بول بالا ہونا چاہیے۔ لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد آنے والی کافر اقوام نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کی فتوحات بے شمار ہیں، اور ان لوگوں کے دور میں جو اقلیتیں ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ تر تصور کرتی ہیں، تو ان کے اس دور کو ختم کیسے کیا جائے؟ لڑائی سے ختم کیا جائے؟ اس سے پہلے وہ دیکھ چکے تھے کہ ان سے لڑنے کا تجربہ وہ اچھا نہیں رہا۔ جو بھی لڑا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، منکرین زکوٰۃ ہوں یا مرتدین ہوں یا مدعیان نبوت ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، لڑ کے تو دیکھ لیا، لڑائی سے تو زیر آنے والے نہیں ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ اب ظاہر ہے جب لڑ کر نہیں جیتا جا سکتا تو پھر
प्रोपेगंडा किया जाए, वो प्रोपेगंडा आज उसके असरात हमारी कौम में मौजूद हैं। कामयाब तरीन हुक्मरानों के किस्से और कहानियां उन्हें गायब कर दिया गया और बाकायदा ये प्लान किया गया कि लोगों को अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ये ना पढ़ाया जाए, अब्राहम लंकन पढ़ाया जाए, कार्ल मार्क्स पढ़ाया जाए, लेनिन पढ़ाया जाए, ताकि अगर कोई इनकलाब लाए भी ना इनमें से तो या तो कम्युनिज्म की बुनियाद पे इनकलाब लाए या सोशलिज्म की बुनियाद पे इनकलाब लाए, निज़ाम इस्लाम की बुनियाद पे इनकलाब ना लाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में मुकाबले का जो सबसे बड़ा इम्तिहान है CSS, आप ज़रा देख लें, उसमें तारीख देख लें, जुग्राफिया देख लें, या दूसरी आम मालूमात देख लें, इस्लामी तारीख, इस्लामी जुग्राफिया, इस्लामी शख्सियात, वो गायब हैं। ये जो हमारे यहाँ बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं ना, ये बाकायदा मेरी कौम के अंदर ये बात आ चुकी है, सरायत कर चुकी है। हमारे यहाँ जिन्हें दानिश्वर कहा जाता है ना, उनकी ज़ुबानों से भी जब आप इनकलाबी जुमले सुनेंगे ना, इनकलाबी जुमले, इनकलाबी बातें, वो इन्हीं का ज़िक्र करेंगे, वो इन्हीं से मुतासर होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोपेगंडे का शिकार है। जब दलाइल से मात न किया जा सके, जब जंगों से हराया न जा सके, तो फिर साजिशें की जाती हैं, फिर साजिशें की जाती हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाही अलैहिम अजमाइन के साथ यही किया जा रहा, यही किया गया, यही किया जा रहा। हमें तो मालूम है कि उनके कारनामे क्या हैं। वो उस दौर में एक अहद का नारा लगाने पे हफ्तों हफ्तों गर्म रेतों, तपते सहराओं, संगलाख चट्टानों के ऊपर से खींचा जाता था, घसीटा जाता था। उस दौर में अहद का नारा बुलंद करना, उस दौर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई दावत व नबूवत का इकरार करना, न सिर्फ इकरार करना बल्कि उसका इजहार करना और इजहार भी अलल ऐलान करना आसान बात थी। कारनामों में अपना माल देना, कारनामों में शहादतें पेश करना, कारनामों में रसूलुल्लाह सल्लम का दिफा करना, कारनामों में रसूलुल्लाह सल्लम की वजह से दो दो मुल्कों में हिजरतें करना, कारनामों में रसूलुल्लाह सल्लम की एक एक बात को महफूज कर लेना उम्मत के लिए, कारनामों में रसूलुल्लाह सल्लम के हरकात व सकनात का तज़करा करना और उम्मत तक पहुँचाना, और इस तरीके से पहुँचाना। आप अंदाज देखें, सहाबी रसूलुल्लाह सल्लम की बात करते हुए कहते हैं कि मैंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लम के मुंह मुबारक से सुनी है। आप सल्लम जब ये बात बता रहे थे ना, वो कह रहे हैं मुझे आज ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं उनके होंठों को देख रहा हूँ कि वो हरकत कैसे कर रहे थे। बातों को बाहिफाजत पहुँचाना, हरकात व सकनात को बाहिफाजत पहुँचाना, कुरान मजीद की हिफाजत करना, कुरान मजीद को महफूज रखना, महफूज उम्मत को देना, ये कारनामे हैं। इनका इनकार नहीं किया जा सकता। जिन्होंने खुले दिल से
कुछ बातें लिखी हैं तारीख के बारे में या कामयाब शख्सियात के बारे में, और जो तासुब का शिकार नहीं हुए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लम के सहाबा की मिसालें दी। काफिर होने के बावजूद रसूल के सहाबा की मिसालें दी हैं, हुकूमतें और आला इंतजामी कामों की तारीफ की है, लेकिन ये इस्लाम दुश्मनी रही है इब्तिदा से लेके अब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पे तनकीद की जाए। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने किताब लिखी है, बड़ी मशहूर किताब है, अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल, रसूलुल्लाह सल्लम की इज्जत नामूस और तकद्दस के हवाले से इतनी कामयाब किताब अभी तक किसी ने नहीं लिखी कि जो रसूलुल्लाह को बुरा कहे उसके साथ क्या करना चाहिए और उसके बारे में शरी दलायल क्या है। ये किताब उस बारे में, जो रसूलुल्लाह सल्लम की गुस्ताखी करे गुस्ताखे रसूल के बारे में कि उसका क्या किया जाए, इलाज क्या किया जाए, ऐसी मुकम्मल किताब अभी तक कोई नहीं लिख सका। उन्होंने इस किताब में इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला का कौल जिक्र किया, फरमाते हैं इमाम मालिक के जो रसूलुल्लाह सल्लम के सहाबा पे तनकीद करते हैं ना, दरअसल वो रसूलुल्लाह पे तनकीद कर नहीं सकते, चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल पे तनकीद करें, लेकिन जब तनकीद कर नहीं सकते तो फिर क्या करते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लम के सहाबा पे तनकीद करते हैं। वही बात साजिश वाली, प्रोपेगंडे वाली, ताकि उनके महासिन को, उनकी अच्छाइयों को, उनकी खूबियों को और उनके औसाफ को वो धुंधला दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, पीछे कर दिया जाए और उन पर तनकीद जो है, जो तनकीदी जुमले हैं उनके अंदर बुराइयों को तलाश किया जाए, फिर उन बुराइयों की अपने अंदाज में तशरीह की जाए, फिर अपने अंदाज से उनकी तशहीर की जाए। चाहते ये लोग ये हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम को बुरा कहें, कह नहीं सकते, सहाबा को बुरा कहते हैं। इमाम मालिक फरमाते हैं असल में अंदर पता क्या है कि जब उनके साथियों को बुरा कहेंगे ना तो उनके बारे में कभी जाके खुद ही तासुर पैदा हो जाएगा कि अगर उसके साथी इतने बुरे थे, उनमें इतनी बुराइयाँ जमा थी, तो उनमें भी तो कोई ना कोई बात होगी ना कि इनको अपने आस पास रखा हुआ था। ये इमाम मालिक का कौल है। हकीकत ये है कि सहाबा को बुनियाद बनाकर, सहाबा पे तनकीद करके, सहाबा के खिलाफ साजिशें करके, सहाबा के बारे में बातें झूठी घड़ के बना के, उनकी तशहीर करके, ये अल्लाह के दीन पर, इस्लाम पर, रसूलुल्लाह सल्लम पर तानाजनी करते हैं। हालांकि ये बात हर एक को मालूम है कि अगर सहाबा को ही निकाल दिया जाए तो दीन का कोई एक मसला भी ना साबित हो सकता है ना वाज़े हो सकता है। अगर उन्हें ही मजरूह करार दे दिया जाए, अगर उन पर ही जरा कर दी जाए, अगर उन पर ही तनकीद व तंज के निस्तर व तीर चला दिए जाएं, क्या ख्याल है, सिर्फ सहाबा या उनके बारे में बात हो रही है? नहीं, बात आगे जाएगी, क्योंकि वो जो मैंने बात की है एक एक बात रसूलुल्लाह सल्लम की सहाबी से होके गुजरती है। रसूलुल्लाह सल्लम के हवाले से अगर कोई बात की जाए, कोई बात कर दे, पूरा सिलसिला सनद ले जाए अपने उस्ताद से लेकर और ताबी तक ले जाए, सहाबी का जिक्र ही ना करे बीच में और कहे ताबी ने ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लम ने ये फरमाया, जो उसूल हदीस है वो कहते हैं कि ये हदीस फिर कबूल नहीं की जाएगी, कबूल नहीं है, ये मुरसल है, ये मुनकते है,
तबी से अबी का जिक्र ही ना करे और रसूलुल्लाह सल्लम से रिवायत कर दे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लम, तबी कैसे कह सकता मैंने देखा है रसूलुल्लाह सल्लम को ऐसा करते हुए, मैंने ये बात सुनी है रसूलुल्लाह सल्लम की जुबान से। उसने तो रसूलुल्लाह सल्लम का दौर ही नहीं पाया, वो तो रसूलुल्लाह सल्लम से मिला ही नहीं है, या उसके बाद कोई बंदा कह दे उठ के कि अल्लाह के रसूल ने यूं फरमाया, उससे पूछा जाएगा हवाला दो, फिर हवाले में सनद देखी जाएगी, सनद में अफराद अशखास देखे जाएंगे। और मैं एक दिन दरस में इस बात का तज़किरा कर चुका हूँ कि जो मुहद्दिसीन है ना, वो ऐसे बंदे की हदीस को लेते ही नहीं थे जिसके बारे में पता चल जाता कि किसी सहाबी के बारे में दिल में बुग्ज़ रखता, किसी सहाबी के बारे में दिल में बुग्ज़ रखता है या बुरा भला कहता है या तनकीद करता है। वो कहते थे ऐसा रावी नहीं चाहिए, अगर ऐसा रावी किसी भी हदीस की किसी भी सनद में कहीं पे जाके आ गया है, वो फिर सनद काबिले एतबार नहीं रहती। सहाबी का होना सनद में ज़रूरी है, उसके बगैर सिलसिला हदीस मुकम्मल नहीं है। और उस सिलसिला हदीस में फिर उन लोगों का होना ज़रूरी है जो सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में दिलों के साफ़ हैं। अगर दिल के साफ नहीं है फिर भी सिलसिला हदीस जो है वो मुकम्मल नहीं है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला की एक किताब है अकीदे तहाविया, और याद रहे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अकीदा व अमल के तर्जमान समझे जाते हैं इमाम तहावी। उन्होंने लिखा है कि हम रसूलुल्लाह सल्लम के सहाबा से मोहब्बत करते हैं, वला नुफरितु फी हुब्बि अहदिम मिनहुम, लेकिन उनमें से किसी के साथ भी मोहब्बत में मुबालगे का शिकार नहीं होते। ये नहीं कि किसी सहाबी के साथ मोहब्बत, उसमें हम ये बात कर दें कि सहाबी का दर्जा नबी से भी ऊंचा कर दें, या उस सहाबी की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत से भी ज़्यादा, ये काम नहीं करते। हम मोहब्बत करते हैं लेकिन मोहब्बत में इफरात नहीं, मोहब्बत में गुलव नहीं। व नुबगिज़ु मैं युबगिज़ु हम, और साथ ही कहते हैं कि हम उनसे नफ़रत रखते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लम के सहाबा से बुग्ज़ रखते हैं। उनसे हम, ये अकीदे की बात कर रहे हैं, उनसे हम नफ़रत रखते हैं जिनके दिलों में सहाबा का बुग्ज़ है। व भी गैरिल खैरी यज़कुरुहुम, और सहाबा का तज़किरा जो करे अच्छे लफ्ज़ों के साथ ना करे उससे भी हम बुग्ज़ रखते हैं, हमारी उससे भी नफ़रत। जो सहाबा से बुग्ज़ करे उससे भी, व भी गैरिल खैरी यज़कुरुहुम, जो किसी सहाबी का तज़किरा करे और अच्छे अल्फाज में ना करे उसके साथ भी हमें नफ़रत है। और ला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैरिन, हम जब भी सहाबा का तज़किरा करेंगे अच्छे अल्फाज में करेंगे, अच्छे अल्फाज में। तनकीद तो बतौर साजिश हमारे अंदर डाली गई है, और रसूलुल्लाह सल्लम के सहाबा पे तनकीद, रसूलुल्लाह सल्लम के सहाबा पे अगर कोई तनकीद करता ना, उसकी तकलीफ रसूलुल्लाह सल्लम को पहुंचा करती थी। ये तो कुरान भी कहता है ना, ये कुरान भी कहता है अजीज़ुन अलैहि मा अनितुम, अगर सहाबा को तकलीफ़ पहुंचे तो रसूल पे गिरां गुजरता है, रसूल को अच्छा नहीं लगता। सहाबा को तकलीफ़ पहुंचे रसूलुल्लाह को अच्छा नहीं लगता, और अगर रसूलुल्लाह को तकलीफ़ पहुंचे, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाहा व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा, जो अल्लाह और रसूल को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं अल्लाह दुनिया आखिरत में उन पर लानत फरमाए। वह आदल हम अदाब मुहिना, अल्लाह ने अजाब भी उनके लिए रसुवा करने वाला तैयार कर गया। क्यों? कि रसूल की इज्जत नहीं है, अल्लाह की इज्जत नहीं है, तो जाहिर है रसवाई तो क्यामत के दिन मुकद्दर है। अगली आयत, ये सूरह अजाब की आयतें हैं, वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनात बिगैरि मक्तसबू, वो लोग जो मोमिनों को तकलीफ पहुँचाएं, मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को और बिल्कुल बिला वजह तकलीफ़ पहुँचाएँ। उस दौर के मोमिन मोमिनात कौन हैं? सहाबा किराम और सहाबियात
रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन है। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें उस दौर की अगर उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाए, फ़कद इहतमलू बुहतानम व इस्म मुबीना, अल्लाह फरमाते हैं उन्हें तकलीफ़ देने के लिए कोई भी बात करें ना वो बात बुहतान गिनी जाएगी। बुहतान है, इल्ज़ाम है, सहाबा पे तनकीद, वो जिन्होंने उनके बारे में कहा था ना, कुरान कहता है सूरह बकरा में इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमना नास क़ालू अनुमिनू कमा आमना सुफहा, जब मुनाफिकों को कहा जाता ना कि ईमान ऐसे लाओ जैसे ये दूसरे लोग ईमान लाएं, तो कहते ऐसे हम ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ ईमान लाएं। आप तफसीर इब्ने कसीर पढ़ें इस आयत की तफसीर में, आप तफसीर कुर्तबी पढ़ें कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का जैसा अकीदा था, जैसा अमल था, जैसा रसूलुल्लाह सल्लम के साथ ताल्लुक था, और रसूलुल्लाह सल्लम की बातों को जैसे वो अपने सरों को झुका दिया करते थे, जैसी सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की इबादत थी, हकीकत में लोगों को कहा जा रहा है कि वैसे करो जैसे वो करते हैं। जवाब में पता क्या कहते, वैसे जैसे वो तो बेवकूफ़ हैं, उन्हें तो घरदारी का ही नहीं पता, उन्हें तो नहीं पता बरादरी कैसे चलाई जाती है, उन्हें नहीं पता कि साथ वाले यहूदी कबाइल के साथ दोस्तियां और ताल्लुकदारियां कैसे निभाई जाती हैं, उन्हें नहीं पता। अल्लाह फरमाते हैं अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, सहाबा के बारे में जिसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया ना, अल्लाह ने वही लफ्ज़ उस पर पलटा दिया। ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीका है, ये कुरान का बयान है, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, सहाबा को जो कहोगे वही तुम खुद होगे। बेवकूफ़ ये हैं अल्लाह फरमाए, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है, वला किल्ला यालमून, इन्हें पता नहीं है, हैं बेवकूफ़ ये जो सहाबा को सहाबा पे तनकीद करते हैं। लिहाजा कुरान मजीद की आयत की रोशनी में बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के कहा जा सकता है जो किसी सहाबी को जो कहे, मसलन जो किसी सहाबी को जिंदीक कहे वो खुद जिंदीक है, जो किसी सहाबी को मुर्तद कहे वो खुद मुर्तद है, जो किसी सहाबी को काफिर कहे नऊज़ु बिल्लाह वो खुद दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि जो लफ्ज़ सहाबा के बारे में कोई इस्तेमाल करेगा तनकीद करते हुए, कुरान हमें ये कहता है सिखाता है कि अल्लाह ने तो यूं ही किया है, जो किसी ने कहा है उनको वही कह दिया गया। सूरह मुनाफिकून उसमें गज़वे तबूक से वापसी का एक वाक्या जिक्र है, गज़वे तबूक आप लोगों को याद रहे थे कि फतह मक्का के बाद हुआ है, 9 हिजरी में फतह मक्का के बाद। अच्छा, ये बात मैंने क्यों की है फतह मक्का के बाद वाली, क्योंकि फतह मक्का के बाद जो लोग मुसलमान हुए हैं ना सहाबा, उन पर भी तनकीद करते हैं लोग कि फतह मक्का के बाद मुसलमान हो गए, उन्होंने इस्लाम को अगर चाहा है तब मुसलमान हुए हैं, जिन्होंने इस्लाम को चाहा नहीं है ना वो काबे के पर्दे के साथ लटके हुए कत्ल कर दिए गए, ईमान नसीब नहीं हुआ, आप सबको पता है। एक लगा था भागने, अबू जहल का बेटा इकरमा, भाग गया, मक्का फतह हुआ भाग गया, नहीं मैं नहीं मान लाना क्योंकि मैं तो मानता ही नहीं हूं इन चीजों को जो ये चीजें पेश करते हैं। खैर वाकया लंबा है, कश्ती में सवार हुआ, अल्लाह ने दिखा दिया कश्ती डोली है, अब अल्लाह ने कहा भाई अब यहां पे अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, छोड़ो बाकियों को जिन्हें तुम सारी जिंदगी पुकारते रहे हो, जिनके आगे झुकते रहे हो, जिनके लिए माल देते रहे हो, उनको छोड़ो, एक अल्लाह को पुकारो वही बचाएगा। इकरमा पता क्या कहता है, फिर मेरे दिल में आ गया जो यहां मदद कर सकता है ना वहां भी वही मदद कर सकता है, मैंने तय कर लिया अब जैसे ही मैं वापस हुआ जाके रसूलुल्लाह सल्लम के पास हाजिरी दूंगा और इस्लाम कबूल करूंगा। और उसने ऐसे ही किया, उसने ऐसे ही किया, जिन्होंने माना ना तस्लीम किया, ईमान वो लाए हैं, जिन्होंने तस्लीम नहीं किया या तो भाग गए हैं या फिर मारे गए हैं।
जो इस्लाम लाए उन्हें इस्लाम के लिए अल्लाह ने चुना है, उन्हें रसूलुल्लाह सल्लम की सोबत के लिए, रसूलुल्लाह सल्लम के साथ के लिए, रसूलुल्लाह की यारी के लिए उन्हें अल्लाह ने चुना है। फतह मक्का के बाद मुसलमान हो गए, फलां पीरियड था, उरूज का पीरियड था, कोई भी पीरियड था, जिसका दिल इस्लाम के लिए खुला है वो मुसलमान हुआ है। अगर फतह मक्का के बाद अगर यही वजह है कि दिन अच्छे आ गए थे इसलिए जो है ना वो फलां में मुसलमान हो गया फलां में, फिर सारी दुनिया क्यों नहीं मुसलमान हो गए, क्यों बाकी महरूम रहे? फतह मक्का के बाद का वाकया गज़वे तबूक से वापसी, कुछ मामला हो गया आपस में, एक खड़ा हो गया कहने लगा ला युख्रिजन्नल अअज्ज़ु मिनहल अज़ल्ला, जरा मदीना में वापस जा लेने दो, हम यहां के बासी हैं, हम यहां के रहने वाले हैं, ये बाहर से आए हैं, हम इज्जत वाले गलबे वाले यहां के मकीन रिहायशी बासी, हम इस इलाके के ये बाहर से आए हैं हिजरत करके, अल अज़ल्ला कमतर कमतर लोग, महाजर लोग, मदीना वापस जा लेने दो, इन सबको मदीने से बाहर निकाल दे। उसके बाद खैर उसे अपने अल्फाज वापस लेने पड़े, लेकिन कुरान जो कहता है ना वो सुनिए, गज़वे तबूक के बाद वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूली, ये कहते हैं हम मुअज़्ज़ज़ इज्जत अल्लाह की है, इज्जत अल्लाह के रसूल की है, वलिल मोमिनीना इज्जत उनकी है जो अल्लाह के रसूल पे ईमान ले आए। फतह मक्का के बाद वो एक यूट्यूबर है, हमें आके लोग कहते हैं वो जी बड़ा ज़बरदस्त बयान करता है, बड़ा ज़बरदस्त बयान करता है, कि हमने तो उसकी वजह से रफुल दैन उसकी वजह से शुरू किया, उसे सुन के शुरू किया, ओ भाई हमें ऐसे रफुल दैन की ज़रूरत नहीं है, जो रफुल दैन करने वाला रसूलुल्लाह सल्लम के सहाबा पे तनकीद करे। अच्छा रफुल दैन तो बयान करता है, रफ़ दैन करना चाहिए, और जो रफ़ दैन को रसूलुल्लाह सल्लम से ले के नकल करके अमल करके हम तक पहुँचाने वाले हैं उन पर तनकीद करता है ज़ालिम। सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लम की नमाज में रफ़ दैन करना, नमाज में जो चार पाँच मौके हैं उन पर रफ़ दैन करना रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत है, सुन्नत साबिता है, मुतवातिर हदीस से साबित है मसला। लेकिन एक बंदा सहाबा पे तनकीद कर रहा है, अगर वो रफ़ल दैन बताता है वो हमें ना बताए, बेईमान बनने का क्या काम है मसाइल बतलाना? पहले सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में जुबान साफ रख के बात करे, पहले जुबान साफ करे बाद में मसाइल पे बात करे। सहाबा के बारे में बुगज़ है, बेदीन बंदा है, बेईमान बंदा है, क्या उसके मसाइल हैं, क्या उसकी तारीख है, क्या उसकी तहकीक है? जालिम ने खालिद ने वलीद रजी अल्लाह तआला के बारे में कह दिया सहाबी नहीं है, अंदाजा करो। मसाइल बतलाता है, बड़े मसाइल बतलाता है। हम तो सहाबा के गुस्ताख का चेहरा देखना गवारा नहीं करते, उससे मसाइल क्या सुनेंगे, उसकी तहकीक पे क्या एतबार करेंगे, वो जिसे सहाबा पे एतबार नहीं। बात करते हुए पता क्या कहता है खालिद इब्ने वलीद के बारे में रजी अल्लाह ताला अन्हु, कहता है खालिद इब्ने वलीद के बारे में किसी ने पता करना हो ना तो उमर सीरीज देख ले, ला हौला वला कुव्वता, कहता मैं किताबों से बातें करता, किताबों से बातें करता है। कहता है खालिद इब्ने वलीद के बारे में उमर सीरीज देख ले, जो झूठ का पलंदा है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला की शख्सियत को भी उसमें मजरूह दिखाया गया है, उमर सीरीज देख ले, लोगों को उस तरफ लगाता है ताकि सहाबा के बारे में यह साजिश है, वो जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, ये साजिश है। मौजमे कबीर तबरानी में, मौजमे औसत तबरानी में, मौजमे कबीर में अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला की रिवायत है, मौजमे औसत में हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला की रिवायत है,
दोनों कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया जो मेरे किसी सहाबी को बुरा कहे उस पर अल्लाह की लानत। दूसरी हदीस के लफ्ज़ हैं कि उस पर अल्लाह की भी लानत, उस पर फरिश्तों की भी लानत, उस पर सारी दुनिया के लोगों की लानत। मलून से हम मसले सुनेंगे, मलून के मसाइल का हम बैठ के जिक्र करेंगे, ये कहता है, वो कहता है, फलां कहता है। इमाम उज़ाई ने अपने शागिर्द बकिया को कहा था, बकिया रसूलुल्लाह सल्लम के किसी भी सहाबी का तज़करा अच्छे लफ्ज़ों के अलावा कभी ना करना, अच्छे लफ्ज़ों से करना। और कहा था बकिया ये बात याद रख, इल्म वही है जो सहाबा से होके आए, इल्मी किताबी सुनो, इल्म वो है जो सहाबा से होके आए, जो सहाबा के अलावा कहीं और से आए ना वो इल्म शिलम कोई नहीं, वो नहीं है इल्म। इमाम सुफयान सौरी की बात सुन लो, वो कहते हैं जो सहाबा के पे तनकीद करता है ना उसका जनाजा ही ना पढ़ा जाए, उससे जान छुड़वाओ, मर जाए ना तुम कहते हो मसले बयान करता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।